देखिए, लोकसभा के चुनाव के दौरान जब मैं प्रचार के लिए वैजापुर के गांव गया था, वहां पे यही ढोंगी का प्रवचन चल रहा था। मुझे वहां के गांव वालों ने ये बताया कि साहब, वो आपसे बहुत प्रभावित है, आप जिस तरह से सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर काम करते हैं और आपका वो सत्कार करना चाहते हैं। तो वहीं पे चल रहा था तो गांव वालों ने पकड़ कर मुझे वहां पर लेकर गए और वहां पर जाने के बाद उन्होंने मेरे बारे में बड़ी तारीफ की। उस वक्त अगर मुझे ये पता रहता था कि ये महाराज के दिमाग के अंदर मेरे नबी के खिलाफ, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ इस तरह का जहर है, तो शायद मैं उस जगह पर कदम ही नहीं रखता था उसमें। लेकिन उस वक्त उन्होंने बड़ी तारीफ की। अचानक ये इस तरह की बयानबाजी करने से ये साफ साबित होता है कि आप किसी ना किसी के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं करके। तो ये सही बात है कि मैंने उससे मिला था, लेकिन उस वक्त उसके भगवे चोले के पीछे एक मवाली छुपा है करके मुझे बिल्कुल खतई पता नहीं था। वरना अगर मुझे ये उस वक्त मेरे सामने अगर रहता और मेरे नबी के खिलाफ अगर बोलता, तो मैं उस वक्त उसी स्टेज के ऊपर कैसा जवाब देता, शायद उसको समझ में आ जाता था। नमाज के वक्त मोर्चों की इजाज़त दी गई है, चाहे वो नंदुरबार हो, नासिक हो, अमरावती हो या दूसरे शहरों के अंदर। अब नासिक के अंदर खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर गड़बड़ हो गई है, यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक साजिश के तहत इस मवाली का इस्तेमाल किया गया है कि तुम इस तरह का स्टेटमेंट दो और हमें जो हम जो हासिल करना चाहते हैं वो इसके ज़रिए हासिल करना कर सकेंगे हम करके। उसमें यकीनन बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि हम किसी भी तरह से नबी की शान के अंदर हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इस आदमी ने जिस तरीके से हमारे मजहब के ताल्लुक से जो बातें बताई है, एक बात तो ये है कि जब किसी का प्रवचन होता है तो उस प्रवचन के अंदर तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी जात में, तुम्हारे मजहब के अंदर क्या अच्छी बातें हैं वो बताई जाती है और एक इंसान अच्छी तरीके से ज़िंदगी कैसे जी सकता है ये पढ़ाया जाता है। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े इज्तिमा होता है, लेकिन कभी आज तक किसी एक मौलवी का ऐसा बयान बता दीजिएगा, एक मौलाना का ऐसा बयान बता दीजिएगा जो इस तरह के दूसरे मजहब के अंदर क्या है वो वहाँ पर बताते हैं। बल्कि हमको तो यही बताया जाता है कि दुनिया के अंदर कैसे जिया जाए एक करके, एक अच्छा इंसान बन के। जब ये बात समझ में आ रही है तो हमारी सरकार से, हमारी पुलिस से, हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि ऐसे तत्वों के ऊपर काबू कर लेना चाहिए, वरना इसके रिपरकशन जो है वो बहुत ख़राब हो सकते हैं। हमने इससे पहले भी देखा है, जब भी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हुई लोग किस हद तक चले गए हैं। और ये हमारे ज़िले का होने की वजह से हमारे लिए और ज़्यादा अफसोस की और गुस्से की बात है कि हम ऐसे सांपों को हमारे पास पाल रहे हैं करके। आप पिछले कुछ दिनों का अगर आप ये देखेंगे, आकलन करेंगे, तो एक नितेश राणे नाम का एक भाजपा ने छोड़ा हुआ पिद्दू है, वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जा के किस तरह के बयानबाजी कर रहा है। मकसद उसका भी साफ है कि किसी तरह से ऐसे भड़काव बयाना दे कि जिसकी वजह से मुसलमानों का गुस्सा फूटे और वो लोग सड़क के ऊपर आए करके। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और हमें बड़ी समझदारी के साथ काम लेना है। ये वीडियो जैसे ही आया, हमने इमीडिएट हमारे पूरे महाराष्ट्र के यूनिट्स को हमने आदेश दिया कि आज हर शहर में, हर जिले के अंदर इसके ऊपर FIR रजिस्टर होना चाहिए। हर तालुके के अंदर है तो निवेदन दीजिएगा, FIR रजिस्टर करवाइएगा। मैंने सुबह उठते ही यहाँ के पुलिस कमिश्नर से बात की, पहले 2:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया कि 2:30 बजे के टाइम के ऊपर हमने कहा कि हम कुछ मौलानाओं के साथ आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं करके, तय हो गया। लेकिन बाद में मुझे उनके पास से खबर आई कि 2:30 बजे DG मैडम ने है तो एक VC रखे है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखे है, तो वो बहुत अहम है उनको अटेंड करने के लिए। तो वो जैसे ही उनकी VC ख़त्म होगी वो हमें टाइम देंगे कि आप आ जाइएगा करके। इन द मीनवाइल हमने पुलिस कमिश्नर के नाम के ऊपर है तो एक निवेदन बना के दिए है और हमारी मांग रखे है, और अकेले मेरी मांग नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर मुसलमान की मांग है कि ऐसे गुंडों को जो सिर्फ एक भगवा चोला पहने हुए है वो कोई स्वामी नहीं हो जाते हैं, वो कोई पुजारी नहीं हो जाते, वो कोई महंत नहीं हो जाते हैं। तो ऐसे
मवालियों को जो समाज के अंदर टेढ़ निर्माण करने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं नौजवानों से अपील करना चाहूंगा उसमें कि हमने कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी वक्त देना चाहिए उसमें। और अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है तो यकीनन हम नबी के गुस्ताखियों के खिलाफ हम कोई भी समझौता नहीं करने के लिए तैयार है, उनके ऊपर कार्रवाई होना मतलब होना। जे एक आम्हाला सांगण्यात आलेलं आहे की कोणीतरी एक महंत आहे सद्गुरु नावाचा, मला असं वाटतं की तो महंती नाही आहे, तो कोई पुजारी नाही आहे, कोई धार्मिक गुरु नाही आहे, तो गुंडा मवाली सारखा आहे। कारण त्यांनी ज्या प्रकारे ज्या भाषेचा वापर केलेला आहे ते खूप निंदनीय आहे। मुस्लिम समाज, जगात जे राहणारे मुस्लिम समाज आहे ते आपल्या प्रॉफेट मोहम्मद यांच्या विरोधात एक ही शब्द ऐकायला तयार नाही आहे। म्हणून हे जे सगळं ते बोलत होते, आम्हाला असं वाटत आहे की हे सगळं स्क्रिप्टेड आहे। आणि का मी हे बोलतो की अचानक हे व्हिडिओ तयार करण्यात आलेला आहे आणि ज्या प्रकारे ते जे बोलत होता मुस्लिम समाजाच्या बाबतीत, आमच्या धर्माच्या बाबतीत, हे तुझी लायकी नाही आहे याच्या बाबतीत बोलण्याची। जेव्हा असं प्रकारचे प्रवचन होतात त्या प्रवचनामध्ये आपल्या जातीमध्ये काय चांगली गोष्ट आहे, आपण माणूस म्हणून कसा जगायचे आहे हे दाखवण्यासाठी, हे ऐकण्यासाठी लोक हजारोंच्या संख्येने येत असतात। दुसऱ्या धर्मामध्ये काय चूक आहे त्याचा पोस्टमार्टम करण्यासाठी तुम्हाला बोलवण्यात आलेलं नाही आहे किंवा बोलण्याचा अधिकारही नाही आहे तुम्हाला उसने। पण जे स्क्रिप्टेड मॅटर होतं ते स्क्रिप्टेड मॅटर मी आज का सांगतो की आज फ्रायडेच्या दिवशी जेव्हा आम्हाला काही आंदोलन करायचं असतं फ्रायडेला, तर ते म्हणतात की नाही फ्रायडेला आम्ही तुम्हाला परवानगी देऊ नये। मग आज महाराष्ट्रामध्ये नंदुरबार मध्ये सकल हिंदू समाजाचा मोर्चा कोणत्या मुद्द्यावर, की बांगलादेश मध्ये जे हिंदूंवर अत्याचार आहे होत आहे की त्याच्या विरोधात, नाशिक मध्ये त्याच मुद्द्यावर मोर्चा नमाजच्या वेळी, मग अमरावती मध्ये त्याच मोर्चा नमाजच्या वेळी, हे काय सिद्ध करतं? हे सिद्ध करतं की महाराष्ट्राची सरकारला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या राज्यामध्ये दंगल घडवायचं आहे। मग त्यांना माहीत आहे की मुस्लिम समाजाला रस्त्यावर आणण्यासाठी आपण काय करू शकतो, इम्तियाज अलीला शिव्या दिले तर कोणीही त्याचा विरोध करणार नाही। पण आमचे जे प्रॉफेट मोहम्मद आहे त्यांच्या विरोधात एक शब्द ही बोलले तर सगळे लोक रस्त्यावर येतील आणि ते आम्हाला आता बघायला मिळत आहे। हे निंदनीय आहे। मी पोलीस कमिशनरांना बोललेलो आहे, पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोललो आहे महाराष्ट्राचे, आणि त्यांना सगळ्यांना सांगितलेलं आहे की हे जे झालेलं आहे त्याला तुम्ही लाईटली घेऊ नका, कारण मुस्लिम समाजामध्ये खूप रोष आहे, विशेषकर युवकांमध्ये खूप रोष आहे आणि ताबडतोब आपण याचा विरोध आपण एक चांगला उदाहरण सिद्ध करून त्याच्यावर कठोर कारवाई करा। आपण काय संदेश देणार युवकांना शहराचे आणि राज्याचे? काय आहे की हे असा मुद्दा आहे की ज्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा कॉम्प्रोमाइज होऊ शकत नाही, आम्ही करणारही नाही। पण आपल्याला हेही समजण्याची आवश्यकता आहे की या मुद्द्याला घेऊन काही राजनैतिक स्वार्थ काही राजनैतिक पक्षांचा असेल तर त्याचा बळी आपण पडणार का? एक माणसांनी बोललेलं आहे त्याच्यावर कशी कारवाई करता येतील ते याच्यासाठी आपल्याला सरकारला प्रशासनावर पोलिसांवर दबाव आणण्याची आवश्यकता आहे आणि ते आम्ही सातत्याने करत आहे। आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लोकांना सांगितलेले आहे, आमच्या युनिट्सला सगळ्यांना सांगितलेले आहे की आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यांनी आपल्या शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये गावामध्ये पोलिसांकडे जाऊन कलेक्टरकडे जाऊन याचा तक्रार नोंदवा, FIR रजिस्टर करा, निवेदन द्या आणि या गोष्टीचा निंदा करा। पण कोणीतरी असा याचा फायदा घेणार असेल, ज्या राजनैतिक पक्ष याचा फायदा घेण्यासाठी हे सगळं षड्यंत्र रचत आहे, म्हणून आपण त्याचा बळी पडू नये, हीच माझी विनंती आहे। थँक्यू।